नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2024 और 8 अक्टूबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस संधि किस द्वीप समूह के लिए हुई थी? कल ही हुई थी। यूनाइटेड किंगडम जो मॉरिशस संधि है वो किस द्वीप समूह को लेकर हुई थी? तो चांगोस द्वीप समूह को लेकर यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस संधि संपन्न हुई थी। चांगोस द्वीप समूह कहां पर है ये पूछा जा सकता है, तो हिंद महासागर के अंदर है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो मध्य हिंद महासागर में चांगोस द्वीप समूह है उसके लिए यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस संधि हुई थी। ठीक है, एक वर्ष 2019 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था। उस फैसले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या बोला था कि ब्रिटेन को चांगोस द्वीप समूह पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, कि जो ब्रिटेन देश है उसको चांगोस द्वीप समूह पर किसी भी प्रकार का शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद 3 अक्टूबर 2024 यानी 2 दिन पहले की बात है, 3 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम ने बोल दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा कर दी है कि ये जो चांगोस द्वीप समूह है उसकी संप्रभुता हम मॉरिशस को सौंप रहे हैं। तो फाइनली चांगोस द्वीप समूह मॉरिशस के अंदर शामिल हो गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांगोस द्वीप समूह है वो मध्य हिंद महासागर के अंदर है। 2019 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक फैसला आया था, उस फैसले के अंदर ये बोला गया था कि जो ये चांगोस द्वीप समूह है उस पर ब्रिटेन का अधिकार करने का कोई हक नहीं है। तो उसके उपलक्ष्य के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने ये घोषणा कर दी 3 अक्टूबर 2024 को कि इसकी संप्रभुता हम अब मॉरिशस को सौंप रहे हैं। बाकी चांगोस द्वीप समूह क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यही है। इसके अलावा और डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो इस क्लास की PDF डाउनलोड कर लेना। इस क्लास की PDF के अंदर क्या सुविधा दी है मैंने कि यहाँ जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके इतना मैं बता दूँ। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि कई फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट मैं आपको उस PDF के अंदर डाल के देता हूँ। तो PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से कर लेना। वहाँ से नहीं कर पाओ तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, सर करंट अफेयर की PDF भेजो, PDF आपको मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको चेकआउट कर देना या इस इंस्टाग्राम पर जाकर आप मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF के अंदर इससे तो बहुत ज्यादा फैक्ट लिखे हुए, बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर दे रखा है। तो अगर आप किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो या UPSC CSE की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो रामबाण साबित हो जाएगी। बाकी सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे फैक्ट के अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन है चांगोस द्वीप समूह के बारे में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निजूत मोइना योजना किस राज्य ने शुरू हुई है या किस राज्य में शुरू हुई है, इस क्वेश्चन पूछा किस राज्य ने शुरू की है निजूत मोइना योजना। इस योजना के बारे में पूछा गया किस राज्य ने शुरू की है, तो असम राज्य सरकार ने निजूत मोइना योजना शुरू की है। एक्चुअल के अंदर ये योजना तो पहले ही शुरू हो गई थी, अगस्त के एंड में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये वापस चर्चाओं में क्यों आई है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कौन सी डेट बतानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, 6 अक्टूबर ही बतानी है। ऐसा क्यों है, असम के मुख्यमंत्री भी कौन है आप जानते हो, हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री है उन्होंने रविवार को यानी 6 अक्टूबर 2024 को जो एक ये योजना थी निजूत मोइना, उस योजना के तहत 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर यानी PG तक के जो विद्यार्थी है उनका जो मासिक वजीफे हैं उसकी पहली किस्त भेज दी है। मैंने मासिक वजीफा क्यों बोला, क्योंकि उनके ट्वीट में ऐसा ही लिखा था मासिक वजीफा मतलब मोटा मोटी चीज़ यह है, एक कोई छात्रवृत्ति योजना चल रही है उसके तहत पहली किस्त में जो भी पैसे उनको देने थे वो विद्यार्थियों के खाते में डाल दिए हैं। 11th क्लास से लेकर PG तक के विद्यार्थी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जो पहली किस्त डाली गई उसके अंदर कितने कितने रुपये डाले गए मैं आपको बता देता हूँ। जो उच्चतर माध्यमिक के विद्यार्थियों को तो 1000 रुपये, इनको तो डाले गए 1000 रुपये, कितने इनको डाले गए 1000 रुपये। इसके अलावा जो डिग्री कर रहे हैं, जो UG कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की डिग्री कर रहे हैं उनको कितने रुपए डाले गए, तो 1250 रुपये उनको डाल दिए गए खाते में। ठीक है, 1250 सर इनको डाल दिया आपने, 1000 उनको डाल दिया, 2500 रुपये PG करने वाले विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनको 2500 रुपये डाल दिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, जब इसका एक मैंने वो ट्वीट देखा था आंसर का, हिमंत बिस्वा का एक ट्वीट था, उसके अंदर क्या लिखा था कि इस योजना के पीछे हमारे दो उद्देश्य रहेंगे। दो उद्देश्य उन्होंने कौन कौन से बताए, पहला उद्देश्य तो ये बताया था कि पहली चीज़ तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करें।
दूसरा हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जब हमारी लड़कियां शादी के लायक हो उस टाइम कम से कम वो ग्रेजुएट हो। तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य सरकार या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने निजूत मोयना योजना शुरू की है। उसके तहत 6 अक्टूबर 2024 को विद्यार्थियों के खाते में पहली किस्त जमा करवा दी गई है, जिसके अंदर उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को तो 1000 रुपये दिए जाएंगे, डिग्री वाले विद्यार्थियों को 1250 रुपये दिए जाएंगे और जो पीजी वाले विद्यार्थी उनको 2500 रुपये की पहली किस्त जमा करवा दी है। ये योजना 5 वर्षों तक चलाई जाएगी और इस योजना का टोटल खर्च कितना होगा तो 1500 करोड़ रुपये का बजट इस योजना में रखा गया है। ठीक है, 1500 करोड़ इसका बजट है, 5 वर्षों तक ये योजना चलेगी। तो ये थी निजूत मोयना योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिसके सारे फैक्ट अपन ने समझने की कोशिश की, करंट की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, जब मैंने 1 अक्टूबर को पढ़ाया था आपको करंट अफेयर, तो उस टाइम मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। क्वेश्चन क्या था, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर 2024 यानी आज भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ है, 92वीं वर्षगांठ को वायुवीर विजेता कार रैली का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, ये सब भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। राइट ऑप्शन है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख की जो जगह है, लद्दाख की थोइस जगह है लद्दाख की, ठीक है, लद्दाख की थोइस जगह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ये रैली होगी। रैली का नाम है वायु वीर विजेता कार रैली। 8 अक्टूबर 2024 को हम क्या करेंगे तो आज के दिन ही अपन भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 7000 किलोमीटर तक चलने वाली है ये वायु वीर कार रैली, ठीक है, और इसकी शुरुआत श्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखा के 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से कर दी थी। रैली का समापन कब होगा तो 29 अक्टूबर 2024 को तवांग के अंदर रैली का समापन होगा। ठीक है, थोइस की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोइस को आप ध्यान रखना, लद्दाख जो थोइस है वो 3068 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे वायु स्टेशनों में से एक है लद्दाख का थोइस, जिसकी ऊंचाई ये समुद्र तल से 3068 मीटर, ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, और जो भारतीय वायुसेना की एडवेंचर सेल है वो इस कार रैली का नेतृत्व करने वाली है। इस कार रैली का नेतृत्व कौन करेगी, एडवेंचर सेल, एडवेंचर सेल भारतीय वायुसेना की इस कार रैली का नेतृत्व करने वाली है, तो ये चीज ध्यान रखना। लद्दाख के थोई से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ये रैली होगी। ठीक है, रैली कितने किलोमीटर की होगी, 7000 किलोमीटर की। शुरुआत कब हुई, 1 अक्टूबर को हुई थी, कहाँ से हुई, नई दिल्ली से, किसने की, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने की थी। समाप्त कब होगी, 29 अक्टूबर को, कहाँ पर समाप्त होगी, तवांग के अंदर समाप्त होगी। इस रैली का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो लक्ष्य यही रखा गया था कि ये जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ विद्यार्थियों को भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास, विभिन्न युद्ध, जो भी वायुसेना ने आज तक जो भी आपदाएं हुई उसमें क्या क्या बचाव किए हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को बताना और उनको जागरूक करना इस कार रैली का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, इस कार रैली के बारे में पूछा जाएगा। मैंने 1 तारीख को भी आपको पढ़ाया था, 8 तारीख को फिर पढ़ा रहा हूँ। बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1932 में हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही हो गई थी। ठीक है, और इसको जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय वायुसेना के रूप में ये वायुसेना विकसित हुई थी। पहले दूसरे नाम से इसको जाना जाता था, रॉयल आर्मी के नाम से इसको जाना जाता था। भारतीय वायुसेना है जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है, तो महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आदर्श वाक्य बताया था, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना, ये भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। वायुसेना के प्रमुख कौन है, भी तो प्रमुख होते हैं हमेशा एयर चीफ मार्शल होते हैं। ठीक है, 30 सितंबर 2024 से पहले भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल थे विवेक राम चौधरी, लेकिन 1 अक्टूबर को यानी इसी महीने की 1 तारीख को नए एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं, अमरप्रीत सिंह, जो कि वायुसेना के भी वर्तमान के अंदर एयर चीफ मार्शल है। ठीक है, ये सारी चीज आप याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसने शुरू की है, तो ये शुरू की है अडानी। अडानी ग्रुप ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है। ठीक है, इसके अंदर देखिए जो अडानी समूह है, अडानी समूह ने ही इस योजना को क्यों शुरू किया है, तो मैं आपको बता देता हूं। अडानी समूह भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिशन परियोजना को शुरुआत करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद से होगी। कहां पर, कहां से होगी, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात।
इस योजना की शुरुआत कहां से होगी, तो इस योजना की शुरुआत अहमदाबाद से होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो पाइप्ड प्राकृतिक गैस है उसके अंदर 2.2 से लेकर कहीं कहीं जगह 2.3 भी लिखा था, 2.3% तक ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण से की जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर पाइप्ड प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाकर इसका निर्माण किया जाएगा, हाइड्रोजन मिश्रण का, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इससे जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके अंदर कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम होता है। शुद्ध शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अडानी समूह ने ऐसा किया है। हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से किया जाएगा, इलेक्ट्रोसिस और जो अक्षय ऊर्जा है उसका उपयोग करके ही हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर होता क्या है, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। ये पूरी विधि है इस हाइड्रोजन मिश्रण को तैयार करने की, ठीक है। इस परियोजना से क्या होगा, तो घरों में हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी। और ये योजना अडानी समूह ने शुरू की है, किसने शुरू की है, अडानी समूह ने ये योजना शुरू की है। तो सारी चीजें आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का अपना, प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है, कल ही किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया था। यह संग्रहालय क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बता देता हूं। इस संग्रहालय के अंदर क्या बनाया गया था, कल इस संग्रहालय का जब मोदी जी ने ट्वीट किया था तो मैंने देखा था उसके अंदर 13 बुर्ज को साफ साफ चीजें मेंशन थी। तो 13 दीर्घाएं हैं, 13 दीर्घाएं बनाई हुई है इसके अंदर, जो संग्रहालय बनाया है बंजारा विरासत संग्रहालय उसके अंदर 13 दीर्घाओं के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अंदर कहां पर की गई, पूछ रहे तो वाशिम के अंदर की है, महाराष्ट्र के वाशिम में की है, महाराष्ट्र के वाशिम के अंदर बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना की है, जिसके अंदर 13 बुर्जे हैं। ये 13 बुर्जों के माध्यम से क्या होगा, तो बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। वहां के बंजारा समुदाय के दो आध्यात्मिक नेता हुए संत सेवालाल महाराज जी हुए थे एक, तो और एक हुए थे संत रामराव महाराज जी। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। संत सेवाराम और जो संत रामराव जी है वो बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, एक का नाम तो था सेवालाल बताया था मैंने आपको, बताना चाहिए सेवालाल, सेवा का लाल, सेवालाल जी ये बंजारा समुदाय के कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु है। इसके अलावा रामराव जी, इन दोनों को श्रद्धांजलि भी दी थी। ये आध्यात्मिक नेता है बंजारों के, और बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना हुई है जिसके अंदर 13 बुर्जे बनी हुई है, महाराष्ट्र के वाशिम के अंदर पोहरे देवी के अंदर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, कल घोषणा कर दी है, लेकिन ये इस वर्ष का किशोर कुमार सम्मान नहीं है, ये 2023 का किशोर कुमार सम्मान है जो कि अब दिया जाना है, ठीक है। तो ये दिया जाएगा राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया जाएगा। राजकुमार हिरानी कौन है आपको बताना चाहिए, जो मुन्ना भाई MBBS मूवी हो गई और एक 3 Idiots मूवी हो गई, ऐसी फिल्मों का निर्माण किया है राजकुमार हिरानी जी ने। और इसी के उपलक्ष्य के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान इनको दिया जाएगा। कौन देगी, तो मध्य प्रदेश सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार ये अवार्ड इनको देने वाली है, ठीक है। किनको देगी, तो राजकुमार हिरानी जी को देगी। कौन सा सम्मान देगी, किशोर कुमार सम्मान देगी। इन्होंने मुन्ना भाई MBBS और 3 Idiots मूवी के अंदर काम किया है। ये पुरस्कार 13 अक्टूबर को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा, 13 अक्टूबर को दिया जाएगा। सर 13 अक्टूबर को ही क्यों दिया जाएगा, तो 13 अक्टूबर को जो किशोर कुमार है उनकी 37वीं पुण्यतिथि है। कौन सी, 37वीं पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य के अंदर इसको दिया जाएगा। किसकी, किशोर कुमार की 37वीं है, राजकुमार हिरानी की नहीं, किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के सम्मान में राजकुमार हिरानी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा, तो जो किशोर कुमार है उनका जो गृह नगर है खंडवा, उसके अंदर इसका आयोजन होगा। कहां पर, खंडवा के अंदर, खंडवा में इसका आयोजन होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सारे फैक्ट आप याद कर लेना, छोटे मोटे फैक्ट है जो अगर आप साथ साथ में देख लोगे तो क्वेश्चन इधर उधर का फंस जाएगा, और तो क्या है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट के सेक्शन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। सिंगापुर ओपन स्कोर खिताब किसने जीता है, ये स्नूकर खिताब होता क्या है। आप कई बार KPFA में जाते हो ना, तो वहां पर एक ऐसी टेबल लगी होती है,
उसके चार कोणों में चार छेद होते हैं, 22 छोटी छोटी गेंदें पड़ी होती हैं और एक लंबा सा डंडा होता है। इस डंडे के माध्यम से इनको इधर कोने में डालते हैं, इसको स्क्वेश गेम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। पंकज आडवाणी ने जो सिंगापुर के अंदर ओपन स्नूकर खिताब था वो जीत लिया है। ठीक है, ये क्विस्ट है, इस गेम को क्विस्ट बोलते हैं और ये भारत के शीर्ष क्विस्ट है पंकज आडवाणी। ठीक है, और उन्होंने रविवार को ही सिंगापुर के अंदर जो जेडन ओंग है उनको हराया था इन्होंने। जेडन ओंग को 5-1 से हराकर जो ये स्नूकर खिताब है सिंगापुर का वो जीता है। और इन्होंने क्वार्टर फाइनल के अंदर थाईलैंड के डेचावत को हराया था, डेचावत को 4-3 से हराया था इन्होंने क्वार्टर फाइनल के अंदर। और ये इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके बाद पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब जीत लिया था। ठीक है, बाकी ये क्विस्ट गेम क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल एक नई नियुक्ति हुई थी नेपाल के अंदर, प्रकाश मान सिंह रावत। प्रकाश मान सिंह रावत को नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। ठीक है, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति है और उन्होंने विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ, इनसे पहले विश्वंभर प्रसाद थे, विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ की जगह प्रकाश मान सिंह को ये पद दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यालय का जो शीतल निवास था, कल मैंने देखा था, राष्ट्रपति कार्यालय के शीतल निवास के अंदर इनका शपथ ग्रहण हुआ था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब लोग वहां पर उपस्थित थे। ठीक है, और जो प्रकाश मान सिंह रावत है उनकी नाम की सिफारिश 16 सितंबर को ही हो गई थी। 16 सितंबर 2024 को जो वहां की संवैधानिक परिषद है उसके द्वारा इनके नाम की सिफारिश की गई, उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ, इनको क्यों हटाया गया? तो उनको हटाया नहीं गया, उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है, उसकी वजह से उन्होंने सेवानिवृत्त हो गए हैं वो, और फिर उनकी जगह प्रकाश मान सिंह रावत को नए नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दीवान सिंह ने कल ही लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारतीय निशानेबाज हैं और पेरू के अंदर ये जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप हो रहा है, कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है पेरू के अंदर, और दीवान सिंह ने दो मेडल जीते हैं। ये अगर पूछ लिया जाए इसका गेम क्या है तो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर के अंदर जीता है इन्होंने ये किताब। 25 मीटर निशानेबाज है, स्टैंडर्ड पिस्टल से ये खेलती है और ये इनका दूसरा व्यक्तिगत पदक भी था। ठीक है, भारत ने पहली बार इसके अंदर 25 मीटर के अंदर क्लीन स्वीप दे दिया है। ठीक है, जिसके अंदर दूसरे नंबर पर रही थी मानवी जैन और चौथे नंबर पर रही थी शिखा चौधरी, तो मानवी जैन और शिखा चौधरी भी निशानेबाज हैं और दीवान सिंह ने 25 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2024 पेरू के अंदर चल रही है, जिसमें इनका दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। अभी वर्तमान के अंदर अगर बात करें, या मैं लास्ट में बताऊँ, अभी बता देता हूँ, भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल पदक 21 जीते हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक है, 13 गोल्ड है। भारत टॉप पे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत टॉप पे रहा है। ठीक है, और नॉर्वे जो देश है वो सेकंड स्थान पे रहा था, लेकिन कल शाम को जो घटना हुई थी उसके बाद दो देश लगातार दूसरे स्थान पर आ गई है। अपन आगे चर्चा करते हैं इस पर थोड़ा, अभी तो आप ये देख लेना आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दीवान सिंह ने जीता है। दीवान सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये है निशानेबाज। अगला क्वेश्चन, एक स्पोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया था कल, हाँ, चाइना ओपन वाला है। चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? चाइना ओपन का खिताब कल जीता था कोको गौफ ने। कोको गौफ ने चाइना ओपन का खिताब जीता था। 20 वर्ष के हैं कोको गौफ, कितनी एज है इनकी? 20 वर्ष के हैं। ठीक है, अब देख लो, 20 वर्ष के लोग ऐसे खिताब जीत रहे हैं जो करंट अफेयर में पढ़ाना पड़ता है, चाइना ओपन जैसे, और आप 20 वर्ष के हो, जो एक आपको सुबह सुबह ऐसा बोला जाता है कि एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की हम आपको क्लास दे रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत ही शानदार कंटेंट, जल्दी जल्दी अच्छा कंटेंट करवा रहे हैं, उसमें भी आपको पढ़ने में बड़ा जोर आ रहा है। यहाँ 20 वर्ष के कोको गौफ ने चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है, चेक गणराज्य के कैरोलिन मुचेवा को इन्होंने हराया था, चेक गणराज्य के कैरोलिना मुचेवा, जो कैरोलिना मुचेवा है इनको हराया था, ये सामने प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, कोको गौफ। अच्छा, एक ये जो ब्रेड गिलबर्ट लिखा है ना, इनके बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये पहले कोको गौफ के कोच हुआ करते थे और ब्रेड गिलबर्ट जब इनके कोच के पद से हटे थे उसके बाद में कोको गौफ का ये पहला खिताब है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, केरोलिना मुचेवा कहाँ के हैं, तो चेक गणराज्य के हैं, ये चाइना ओपन के अंदर सेकंड नंबर पर रहे थे, इनको फाइनल में हरा दिया था कोको गोफ ने, कोको गोफ जीते हैं, अमेरिका के 20 वर्ष के खिलाड़ी है, ठीक है, और चाइना ओपन का खिताब जीता है। ब्रेड गिलबर्ट को हटाने के बाद कोको गोफ का ये पहला खिताब था, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये चाइना ओपन का हुआ कहां पर था, बीजिंग के अंदर हुआ था, बीजिंग, बीजिंग के अंदर चाइना ओपन का ये टूर्नामेंट हुआ था, और ये हजारवां टूर्नामेंट था चाइना ओपन का, कौन सा हजारवां, किसने जीता, कोको गोफ ने जीता। ये किस, इसके अंदर खेल कौन सा होता है वो पूछा जा सकता है, तो टेनिस का है, टेनिस ओपन है ये, टेनिस ओपन गेम होता है, बीजिंग में हुआ था, हजारवां चाइना ओपन था जिसका खिताब कोको गोफ ने जीता है। कैरोलिना मुचेवा को इन्होंने हराया था जो कि चेक गणराज्य के हैं, कोको गोफ 20 वर्ष के हैं जो कि अमेरिका के हैं, और ब्रेड गिलबर्ट जो कि कोको गोफ के पहले कोच हुआ करते थे, उनके हटने के बाद कोको गोफ का ये पहला खिताब है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, WHO दक्षिणी पूर्वी एशिया का 77वां सत्र कहां आयोजित हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, WHO का दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र, कौन सा 77वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली के अंदर, WHO दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। अभी वर्तमान में केंद्रीय और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान के अंदर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, और इन्होंने जब इसका आयोजन किया, इस आयोजन में ये इस आयोजन को यही करवा रहे थे, WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र, ठीक है, इन्होंने कुछ चीजें पर बोली थी, वो मैंने स्पीच सुना था इनका, इन्होंने बोला था कि आयुष्मान भारत योजना है उसमें 120 मिलियन से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करेंगे हम। इसके अलावा उन्होंने बोला जो भारत है वो WHO की जो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है उस पहल का समर्थन करता है। इसके अलावा NCD के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रारंभिक निवारक देखभाल के लिए क्लिनिक और केंद्र स्थापित करेंगे भारत में, ठीक है। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा जो है वो WHO के दक्षिणी पूर्व एशिया सत्र के अध्यक्ष भी चुने गए थे, दक्षिणी पूर्व एशिया के पूरे के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्होंने ये चीजें इस सत्र में लेके बोली थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके अंदर अपन इस पर चर्चा करेंगे। जनरली देखो आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा मानना है करंट अफेयर में इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्जाम में आगामी 3 या 4 महीने में जो भी एग्जाम होंगे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं इस पर हमारे लिए एक अलग से क्लास लाओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं ट्राई करूंगा इस पर एक अलग से क्लास बनाने की। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो 24 पदक जीते थे, ठीक है, ये पेरू के अंदर हो रही है, जिसमें कहां पर हो रही है, पेरू में, टोटल कितने 24 पदक, जिसमें से 13 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 13 गोल्ड मेडल जीते थे, 3 रजत पदक जीते थे, लो 13 और 3 कितने हो गए 16, पीछे कितने बचे 24 में से 16 गए पीछे बचे 8, 8 कौन से थे, कांस्य पदक थे, इस प्रकार जीते थे 13, 3 और 8, ठीक है। इसके अंदर भारत पहले स्थान पर रहा था, हमारा प्यारा भारत प्रथम स्थान पर रहा था भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दो संयुक्त रूप से दो देश रहे थे, इटली और नॉर्वे, इटली और नॉर्वे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे थे, भारत प्रथम स्थान पर रहा था। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, 3 आदमियों का नाम याद रखना जिन्होंने टीम के रूप में स्वर्ण पदक जीता है, एक तो दीपक दलाल, एक कमलजीत और एक राजचंद्रा, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल के अंदर एक टीम के रूप में स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसका अगला आयोजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका जो ये ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है उसका अगला जो होगा वो 2024 के अंदर होगा 13 से 18 अक्टूबर को, और ये अब नई दिल्ली में होगा, भारत के नई दिल्ली के अंदर ये होगा, तो इंपॉर्टेंट है। अगला जो
ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप होगी वो 13 से 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी, और जो अभी वर्तमान में 2024 वाली हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो पेरू के अंदर हुई है, जिसमें भारत ने टोटल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 रजत पदक जीते हैं और 8 कांस्य पदक जीते हैं। भारत कुल मिला के पहले स्थान पर रहा है, इटली और नॉर्वे दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, माइक्रो आरएनए खोज के लिए किस देश को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, माइक्रो आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म आप जानते हो, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीएनए की डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, वैसे ही आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और उसकी खोज के लिए किस देश के दो चिकित्सक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमेरिकी, अमेरिका के दो वैज्ञानिक को माइक्रो आरएनए खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये कौन कौन थे? एक तो थे विक्टर एम्ब्रोस, कौन थे? विक्टर एम्ब्रोस, एक तो थे इनमें विक्टर एम्ब्रोस और एक थे गैरी रूकुन। जो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन है, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। उनका ये इनके जो रिसर्च थी, इस रिसर्च के खोज के पीछे एक चीज महत्वपूर्ण थी, इस खोज से हमें यह समझने को मिला कि जीव कैसे विकसित होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। तो जीव कैसे विकसित करते हैं और कैसे कार्य करते हैं वो इस खोज से हमें मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के अंदर दिया क्या जाता है? तो $1.1 मिलियन दिए जाते हैं, पैसे खूब दिए जाते हैं, $1.1 मिलियन का पुरस्कार इसके अंदर दिया जाता है। 1901 के बाद, अपन मोटा मोटी बात करें 1901 की, 1901 के बाद शरीर की क्रिया पर विज्ञान में चिकित्सा में 115वां नोबेल पुरस्कार है ये। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला है कि ये जो एम्ब्रोस और रूपकुन का ये जो माइक्रो आरएनए खोज है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार तो दिया गया, और उनका शोध यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और क्या कार्य करते हैं। लेकिन 1901 के बाद शरीर की क्रिया विज्ञान और चिकित्सा पर, यानी शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं उनके लिए जो अलग अलग रिसर्च की जा रही है उस पर ये 115वां पुरस्कार है। इससे पहले 114 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इस सरणी के अंदर 229 पुरस्कार मिले हैं टोटल, जिसमें से केवल 13 महिलाओं को मिले हैं, बाकी सारे पुरुषों के मिले हैं, तो महिलाओं को इस चीज में इंटरेस्ट कम लगता है। ठीक है, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपने फटाफट समझने की कोशिश की। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए, इसके अलावा आपको और डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप इस क्लास की पीडीएफ देख लेना। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत भिजवा देंगे। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप चेकआउट कर लेना। अदरवाइज ये इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।